मानना पड़ेगा हमारी जो ये छोटी गुड्डन है ना, ये बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है। आई मीन दिखती तो वैसी ही है लेकिन उतनी ही रिसोर्सफुल है। अभी देखिए, इन्होंने अभी अभी तो रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया था लेकिन एन मौके पर आ गई मुसीबत। लेकिन मुसीबत से यूं खिसक के कैसे निकलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। छोटी गुड्डन से तो मिलिए। इस छोटी गुड्डन का नाम भले ही छोटी है लेकिन ये हूबहू अपनी माँ की ही तरह है, दिखने में भी और हाँ हंगामे करने में भी। अब गुड्डन और एजे के रेस्टोरेंट को आगे बढ़ा रही है छोटी गुड्डन। जरा देखिए, इस रेस्टोरेंट में कुछ ऑफिसर्स आए हैं इनका खाना चेक करने के लिए कि भाई खाना अच्छी क्वालिटी का बनता है या नहीं, ये खाने में किसी तरह की मिलावट तो नहीं होती है। हमारी पैदाइश यही इंदौर की है, 40 साल में इससे बढ़िया दाल पहले अब छोटी गुड्डन इन ऑफिसर्स को बटर पॉलिश कर ही रही होती है कि अचानक से एक छोटा सा चूहा नजर आता है। अब जिस रेस्टोरेंट में ये चूहा मिलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, उस रेस्टोरेंट का नाम तो खराब होगा ही ना। लेकिन ये छोटी गुड्डन भी बड़ी कमाल की चीज है, जरा देखिए झटपट से कैसे उसने इस चूहे को छुपा दिया। उफ, इस चूहे की वजह से तो आज सच में बनता काम बिगड़ जाता। लेकिन अब खैर छोटी गुड्डन ने मामला संभाल लिया। ये मत कहिएगा कि ये बाल्टी बैठने के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि हम इस पर तो नहीं बैठेंगे। नो सर, गुड जॉब, गुड जॉब आपकी तरफ से। ये जो बाल्टी है ना सर, ये हमारा फीडबैक बकेट है। वहीं दुर्गा जब रेस्टोरेंट में आई तब गुड्डन की हरकत को देखकर उसे छोटी गुड्डन की माँ की याद आ गई। अब भी जब गुड्डन थी तो तुम सब लड़ते नहीं थकते थे, अब जब वो नहीं है तो खूब प्यार आ रहा है। अब दुर्गा को तो अपने किए का पछतावा हो ही गया था, तभी तो गुड्डन और एजे के जाने के बाद उसने छोटी गुड्डन को पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा किया। अब आगे देखेंगे कि छोटी गुड्डन के साथ दुर्गा का रिश्ता कितने लंबे समय तक बरकरार रहता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।